हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अभी छुट्टियां चल रही हैं आपकी और 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से आप घर पर हैं और सारे स्कूल वाले अपने बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए मटेरियल भेज रहे हैं, वीडियो से पढ़ा रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी टीचर्स की निकल करके आ रही है जो देखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। हम सब एक दूसरे से बहुत सीख रहे हैं, आप तो सीख ही रहे हैं लेकिन हम भी सीख रहे हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहली बात मैं बता दूं, मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया, सारे टीचर्स आपको पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं, मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगी जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। याद जनरली लोग आपको टेक्निक बताते हैं कि ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आपके ब्रेन में वो चीज़ स्टोर कैसे हो पाएगी। इवन एंड ऑड नंबर्स कैसे आप समझ पाएंगे? तो ये बहुत छोटे बच्चे जहाँ जिनका मैथमेटिक्स शुरू होता है, और पहली बात तो मैं ये बोल दूँ कि वो मैथमेटिक्स होता है और मैथ होता है, मैथ्स नहीं होता है, ठीक है? पहली तो इसको करेक्शन कीजिए। दूसरी बात, कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है? टीचर्स तो बता देते हैं कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू दे आर इवन एंड दोज वर नॉट दे आर ऑड नंबर्स, लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, मैं अपने बारे में अगर सोचूं कि मैं क्या करती थी उसको याद करने के लिए कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है, तो मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत आसान से आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप तैयार हैं? चलिए, ये देखिए ये क्या है, ये है इवन और ये क्या है, ये स्पेलिंग है ऑड की। तो इवन में हम काउंट करेंगे कि इवन में कितने लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, ये जो वर्ड है इवन, इसमें कितने लेटर्स हमने यूज किए हैं, कितने यूज किए बताइए, 1 2 3 4, तो ये 4 लेटर्स इसमें हमने यूज किए और ऑड में हमने कितने यूज किए हैं, 1 2 3, वी आर यूजिंग 3 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन ऑड। अब मैं क्या करती हूँ, मैं नंबर्स लिखती हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने लिखा 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है? अब आप अगर ये नंबर 10 नंबर तक देखेंगे, 10 नंबर्स तक देखेंगे, तो यही 10 नंबर्स से सारे नंबर्स बनते हैं, तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 से 10 तक समझ जाएंगे इवन और, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने इवन में कितना नंबर काउंट किया था, 4 काउंट किया था, तो 4 कहाँ लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसके आगे लिख देते हैं इवन, ठीक है? तो ये ऑड में कितना नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम 3 में लिख देते हैं ऑड, ठीक है? तो नंबर्स तो दो ही होते हैं, या तो इवन होता है कोई नंबर या ऑड होता है, तो उसका ऊपर वाला, देखिए अगर हम नीचे ले या ऊपर लेकर ही भी ले लीजिए, किसी भी सीक्वेंस में ले लीजिए आप, तो अगर इसके ऊपर ये अगर ऑड है तो ये क्या होगा, ये इवन नंबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है? और ये हमने जैसे 4 को इवन लिखा तो 5 क्या होगा, 5 ऑड नंबर है, नेक्स्ट इवन नंबर है, इसी तरीके से आप ये सारे नंबर्स को लिख सकते हैं, ये इवन है, ठीक है? और ये 9 ऑड है और 10 या 0, 0 से जो भी नंबर होंगे वो इवन नंबर्स होंगे, ओके? अब हम इनको एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि इवन नंबर्स कौन कौन से हैं और ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इवन में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, इवन में आता है 2, इवन में आता है 4, इवन में आता है 6, इवन में आता है 8 और इवन में आता है 10, मैं 0 लिख रही हूं। और ऑड में कौन से नंबर्स आए, 1 इज योर ऑड, फिर नेक्स्ट नंबर आपका आया 3, नेक्स्ट नंबर आया आपका 5 और उसका अगला नंबर क्या आया, 7 और उसके बाद वाला नंबर जो आया है वो है 9। तो कोई भी नंबर जिसके पीछे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा, तो वो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। और जो नंबर्स
के एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, कैसे? अगर मैं मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 100 तक मैं नंबर लिख रही हूँ, तो ये 91 तक, ये जो जिसके पीछे 1 आ रहा है उसी तरीके से जिसके पीछे 2 आएगा वो क्या होगा बताइए, 12, वो इवन नंबर होगा, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये सारे इवन नंबर्स होंगे। इसी तरीके से आप ये वाला चार्ट पूरा तैयार कर लीजिएगा सारा, ठीक है, और लास्ट में लास्ट वाली लाइन हम लिखते हैं ये वाली 91, 99, 99, ठीक है, 99 तक के नंबर्स आएंगे और ये सारे आपके होंगे इवन और ऑड नंबर। अब आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, जो भी टेबल्स में, जैसे मैम जब भी कहें आपसे जो नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं, तो आप बहुत सिंपली ये समझ सकते हैं, देखिए इवन मतलब 4, ठीक है, ऑड यानी कि 3, तो जो जिन नंबर्स के पीछे इस तरीके से, बस आपको ये 1 से 10 तक याद रखना है, बाकी आपको बहुत अच्छे से ये याद हो सकता है। तो 2 का टेबल अगर हमें पढ़ना हो तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल कैसे आएगा, 2 का टेबल 2, 4, स्किप काउंटिंग कर दीजिए, 6, 8, 10, अब फिर से 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और लास्ट में 20, 2020, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इवन और नॉट। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू लर्न टेबल्स इन एन इजी मैनर, टेबल्स को कैसे इजीली याद करते हैं, और उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी जो टीचर्स क्लास में बताती हैं, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड दीज आर द 3 थिंग्स दैट हैपन, राइट। सो आई टेल यू हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।